Jain 12th class student, welcome you all again in the chemistry class. Uh, beta, as I have to show some 3D structures to you, so I am not going to explain the things on the board. I am just explaining the things by, with the help of the structure, so it will be more clear to you. Okay, as you know in the last class we were discussed about the packing of particle in space how the particles are arranged in the space and what type of structure is formed that we have to study and in this uh, uh, topic crystal structure we have to study about only the particle arrangement as we know uh, as we will study about the particle arrangement then it will be clear to us that which type of crystal structure is formed okay so as we have already discussed the close packing in one di dimension and, and i have already show this thing by make it with the help of bangles that you are arranging the particles in a row. That is, mean suppose x-axis is there, you are arranging the particles simply in along the x-axis, so it is a one-dimension close packing, and the coordination number here is two coordination number as I told you. That just look at the neighboring sphere which are touching any of the sphere here. Sphere representing the particle above ab, they go.

फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इट मीनस यू जस्ट सिंपली प्लेस अ वन रो पार्टिकल्स इन अ रो जस्ट लाइक इन वन डायमेंशन एंड प्लेस द सेकेंड रो जस्ट बिलो द अदर सो दैट द फेयर ऑफ द सेकेंड रे जस्ट लाइंग बिलो द फेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर जैसा सपोज करो ये ए लेयर है तो इसके नीचे मैंने दूसरा लेयर फॉर्म किया तो इट इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट तो इसे हम ये अगर ए ए जैसा दिखेगा इट इज विल लुक्स लाइक टू बी ए तो ये कौन सा टाइप का हो गया ए टाइप क्लोज पैकिंग एंड एज यू के सी दैट इफ आई आई एम गोइंग टू टच द सेंटर ऑफ द स्फेयर इन स्पेयर के सेंटर को अगर मैं टच करूं आई विल गेट अ स्क्वायर दीज थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट जस्ट अ कि आपको रिकॉल हो जाए बट यू हैव स्टडी इन द लास्ट क्लास एंड इट्स कॉर्डिनेशन नंबर इज फोर एंड एज वी गेट द स्क्वायर इट इज नोन टू बी अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाउ वट इज द अनदर वे टू

again the third layer is placed just below the dispersion of second layer which comes out to be identical to the फर्स्ट लेयर ये आपको फर्स्ट लेयर की तरह दिखने लगे या नहीं लिखे बिल्कुल ऐसी तो हम इस टाइप को क्या बोलेंगे ए बी ए बी टाइप एंड इट गिव अस लाइक हेक्सागन दम हम इसके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स एज यू कैन सी इफ आई एम इफ आई विल टॉक अबाउट दिस पार्टिकल दे आर आर सिक्स पार्टिकल दैट आर सराउंडिंग दिस ओके सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट वॉट इज क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन ओके आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ मूव टू द क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन so now let us discuss the close packing in three dimension close packing in three dimension means along the x-axis particle should be arranged along the x-axis particle should be arranged along the y-axis and particle should also be arranged along the z-axis and if i will see uh, after this arrangement then i will get three types of arrangement just remember 1d one arrangement 2d two arrangement and 3d three types of arrangement in my console aaa type एबी ए बी टाइप एंड एबीसी एबीसी टाइप नाउ जस्ट रिमेंबर बेटा वेन आई एम कंसिडरिंग द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन ओनली वन लेयर इज देअर वेन वी आर टॉक अबाउट टू डायमेंशन देन डिफरेंट डिफरेंट लेयर आर देयर अगर वो आइडेंटिकल है तो हम जैसे ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के आईडेंटिकल है इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए लेयर अब यहां पर दिस फर्स्ट सेकेंड लेयर इज नॉट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन सो इट इज सेट टू बी अ बी लेयर, यानी हमने लेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है अब हम जब टू डी डायमेंशन की थ्री डी डायमेंशन की बात करते हैं देन वी आर कंसिडरिंग अ टू डी लेयर ऑफ वन टाइप सपोज करो मैं इस लेयर का यूज करूं या मैं इस लेयर का यूज करूं आई विल कंसिडर दिस वोल लेयर एज ए और उसके ऊपर जब मैं लेयर प्लेस करती चली जाऊंगी इट मीन्स अलॉन्ग जेड एक्सेस दैट विल गिव राइज टू मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अरेंजमेंट आई विल गेट ए टाइप एंड ए बी सी ए बी सी टाइप द नेम्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट लेट एस डिस्कस वन बाय वन फ्रॉम सम जेमेट्री आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम जेमेट्री ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन For close packing in three dimension we will we have to take help of the structure which we have drawn in the close packing in two dimension. but as you can see that there are two structure that we have used in two dimension, it means there are different different methods for placing another layer on over these layer okay, let uh, first take us the square square close packing for making our three d structure okay, let me show you this so. दिस इज अव अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन दिस इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप देख सकते हो वन इसे वन वन टू थ्री फोर फोर स्फेयर आर टचिंग दिस फेयर कॉर्डिनेशन नंबर फोर हो गया दिस इज अ स्क्र क्लोज क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन नाव फॉर्मिंग अर थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर वट वी हैव टू डू एट

This is second. This is your second layer. I am placing the second layer just above the first. These color are used just to differentiate. Okay, beta Now, clear? Okay. So, कुछ थिकनेस इसकी होगी Z-axis में मैंने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया. Let me अरेन्ज वन मोर लेयर तो अब आप देखो आप इसी लेयर को देखो फर्स्ट लेयर आपकी रेड वाली जो बैंगल थी ले वेन यू आर प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट इट इज जस्ट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर इट मींस बिल्कुल सेम है तो इट इज ऑल्सो बी दिस लेर सेकंड लेयर इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ टाइप तो ए ए टाइप हो गया नाव यू हैव टू प्लेस द थर्ड लेयर ओके ये स्फेयर की तरह कंसिडर करो होलो नहीं होते पार्टिकल्स फेयर एक सॉलिड स्फेयर है बट एज आई डोंट हैव समथिंग लाइक दैट कि मैं सॉलिड किसी सॉलिड फॉर्म से आपको रिप्रेजेंट कर सकती सो सो आई एम यूजिंग दिस बैंगल्स आई एम जस्ट प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओके सो दिस इज अ थर्ड लेयर अगेन इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट सेकेंड सो ए ए टाइप ऑफ अरेन्जमेंट तो यह आपको अरेजमेंट मिल गया एंड इट इज नोन टू बी थ्री डी स्क्वायर गुनल क्लोज पैकिंग क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन ए ए टाइप बिकॉज सारी लेयर आइडेंटिकल है हमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है दैट्स वाई इट इज नोन टू बी अ थ्री डी स्क्वायर गुनल क्लोज पैकिंग एंड ऑल्सो इट इज नोन टू बी सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट नाउ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट देयर कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ नियरस्ट नेबर लेट मी टेक दिस पार्टिकल दिस ब्लू वन आई एम टेकिंग दिस ब्लू वन नाउ दिस इज द सेकेंड लेयर तो आप सेकेंड लेयर वाले पार्टिकल्स को देखो जो ब्लू वाले हैं ये तो थर्ड लेयर का आ गया ये तो इसको टच ही नहीं करेगा जब आप फेयर लोगे तो जस्ट सी सेकेंड लेयर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर टचिंग दिस फेयर वन थ्री फोर ये नीचे वाला कंसिडर मत करना क्योंकि जब आप सॉलिड स्पेयर रखोगे तो वो इस वाले पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो सिर्फ अपने अपनी अपनी वाली लेयर में जो चार पार्टिकल है उनके कांटेक्ट में है प्लस दिस इज आल्सो इन कांटेक्ट विद पार्टिकल दिस रेड वन तो कितना हो गया फाइव वन लेट मी टेक दिस सी वन दिस ब्लू टू दिस ब्लू थ्री दिस ब्लू फोर ये इसके नीचे जो है वो रेड है और एक ऐसे ही पार्टिकल इसके ऊपर होगा तो कितना हो गया सिक्स हो गया कॉर्डिनेशन नंबर इट मीन्स फोर आर इन इट्स डायमेंशन लाइक दिस अगर आप इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हो सिंपली पार्टिकल तो वन टू थ्री फोर दीज आर टचिंग दिस फेयर एक इसके नीचे है और एक इसके ऊपर लाइए इट मीन्स द कॉर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन इज सिक्स और जहां हमने टू डायमेंशन में देखा था वट इज दकॉर्डिनेशन नंबर इन टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज फोर सो आई होप दैट दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू सो फ्रॉम दिस वे वी विल गेट ओनली अ काइंड ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटेस इज अ सिंपली अ क्यूबिक लेटेस आप सिंपल स्क्वायर क्लियर हो एक स्क्वायर शीट लोज के ऊपर शीट ऐसे ऐसे रखते चले जाओ यू विल गेट अ सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट Okay, now, uh, it means हमने एक स्ट्रक्चर so से टू डी से स्टडी कर ली दैट बाई यूजिंग द टू डायमेंशनल स्क्वायर गोनर क्लोज पैकिंग नाउ नेक्स्ट वन इज टू डायमेंशनल हेक्सागोनर क्लोज पैकिंग नाउ वी विल सी हाउ द पार्टिकल्स आर अरेन्ज बायसिंग हेक्सागोनर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन सो एज यू सी इंड